Good evening, my dear students. Good evening, Priyanka, Aman Kumar, Ritik, Ved Prakash, Yadav, Harish, Harshvardhan. Very, very good evening to all of you. And welcome to RKC EduHub. तो चलिए आज के सेशन में हम लोग अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़िए, शेयर कीजिए इस सेशन को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँच सके. तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा पब्लिकेशन हाउस है, आर के चौधरी पब्लिकेशन है, जिसमें अभी हमारे पास हमारे पब्लिकेशन में दो बुक अवेलेबल है, स्टैटिक जीके क्लास नोट्स और बायोलॉजी क्लास नोट्स, राइट, प्लस करंट अफेयर्स 2021 भी अवेलेबल है. अभी इसका प्राइस 50% डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल है, 20 रुपीज़ का पहले, अब 10 रुपीज़ पर मंथ के कॉस्ट पर ये ई बुक अवेलेबल है. ठीक है, 2021 कंप्लीट, जनवरी टू दिसंबर 2021. बहुत सारे एग्जाम्स अभी हो रहे हैं और एग्जाम्स से पूछे भी जा रहे हैं, प्लस आपके 2022 का जून तक अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, 20 रुपीज़ पर मंथ ई बुक अवेलेबल है. चलिए आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करें. चलिए अगस्त करंट अफेयर्स पार्ट वन, आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो डिस्कस करेंगे, प्लस दिल्ली पुलिस कमिश्नर, न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंटेड, उनके बारे में बात करेंगे. वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर, उनके बारे में बात करेंगे. ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, वो हम बातें करेंगे आज. वेस्ट बंगाल में 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किया गया है, 23 था, 23 से फिर काटकर 7 मोर डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुआ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं वो डिस्कस करेंगे. प्लस एशिया के रिचेस्ट वुमेन इंडिया का सावित्री जिंदल है, बन गई हैं, है ना, सावित्री जिंदल हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे. और प्लस कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे भी डिस्कस करेंगे, जिसमें एक हमने यहाँ पे इंडिया ओमान का लगाया है, बाकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे भी आज हम लोग डिस्कस. तो अगस्त का पार्ट वन आज एट लेंथ हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में. सबसे पहले आज है 20th अगस्त, ठीक है, तो आज का डे आता है आपके एग्जाम में डेज एंड डेट्स, है ना, तो आज का डे क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या सेलिब्रेट हम करते हैं आज के डेट में. पहला है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ठीक है, आज का डे ये हम लोग किसको ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं, सर रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने 1897 में इन्होंने ये डिस्कवर किया कि मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही मलेरिया को स्प्रेड करती है, मलेरिया फैलाती है. ठीक है, तो आज उन्हीं के ऑनर में आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, है ना, सर रोनाल्ड रॉस जिसने डिस्कवर किया था 1897 में. हाँ, सद्भावना डे भी है, रिन्यूएबल एनर्जी डे भी है आज, है ना, आज वो भी है. ठीक है, थीम क्या है वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2022 का, हार्नेस इनोवेशन, नवाचार का उपयोग करें, किस लिए, किस लिए, मलेरिया को रिड्यूस करने के लिए और मलेरिया से जान बचाने के लिए. ठीक है, तो ये इस बार का विषय है, इस बार का थीम है. ठीक है, थीम भी पूछता है. दूसरा, जैसा कि अमन कह रहे हैं कि सद्भावना दिवस भी आज हम मनाते हैं, सद्भावना दिवस भी आज हम मनाते हैं, राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बर्थ एनिवर्सरी है आज, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी डे भी है, वो भी इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष में मनाया जाता है. ठीक है, तो ये आपका आज का इम्पोर्टेंस है, आज का डे का इम्पोर्टेंस है. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब कुछ हम पॉजिटिव खबर देख लें, पॉजिटिव खबर, पॉजिटिव
न्यूज हम देख लें, है ना, हर घर जल उत्सव, हर घर में जल उत्सव किया गया। कब? 19 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली ये एड्रेस किए। कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। तो गोवा पहला स्टेट बन गया है जिसके हर घर में जल पहुंच गया है। मतलब कितने लोगों को? 2,63,000, 2,63,000 रूरल हाउसहोल्ड में पानी पहुंच गया है। तो गोवा को फर्स्ट स्टेट का सर्टिफिकेट मिला है, हर घर जल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो स्टेट में गोवा है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश अगर मानते हैं, केंद्र शासित, यस यस गौतम, केंद्र शासित प्रदेश में हो गया आपका दादर और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया है अब। ठीक है, तो ये भी है आपका केंद्र शासित प्रदेश का अगर पूछते हैं तो दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ भी हर घर जल पहुंच गया है। कितने घर में? 85,000 घर में ये जल पहुंच गया है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज के साथ ही हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। और एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट कंप्लीट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि वहाँ के लोग को इतना लिखना और समझना आ गया है कि वो अपना काम कर सके, इसलिए इसे कहते हैं फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मांडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। मांडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का पहला डिस्ट्रिक्ट है जो फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। फंक्शनली लिटरेट, यस अमन, वेरी गुड, मांडला मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सब बहुत पॉजिटिव न्यूज है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वहाँ के लोगों को इतना पढ़ा दिया गया है, इतना वो लिख सकते हैं, इतना वो पढ़ सकते हैं, इतना वो समझ सकते हैं जिससे उनका काम चल सके। मतलब बिल्कुल ही अनपढ़ नहीं है, उतना उनको पढ़ा दिया गया है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। और ये मिशन स्टार्ट हुआ था 2020 में, इंडिपेंडेंस डे 2020 में ये मिशन स्टार्ट हुआ था और अभी ये आकर पूरा हो गया। ये किसके साथ मिलके? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, आंगनबाड़ी, सोशल वर्कर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सब मिलकर और फिर ये हासिल किया गया। फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हो गया है मांडला मध्य प्रदेश, राइट? तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ हुआ। एक और न्यूज है आपके लिए कि गवर्नमेंट ने 11 मोर वेटलैंड को रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। ठीक है, जुलाई में 5 किया गया, फिर अगस्त, 3 अगस्त में फिर 10 किया गया, फिर 15 अगस्त में 14 अगस्त को किया गया 11 मोर। तो ऑल टुगेदर हम लोग आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। तो अब आपके पास जो रामसर साइट हो गया, आर्द्र भूमि वो का कितना हो गया है अब? 75। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो जून तक 49 ही था हमारे पास रामसर साइट, लेकिन आज अगस्त में आते आते हमारे पास 75 रामसर साइट हो गया, है ना, आर्द्र भूमि, जिसका डिटेल में क्लास में भी आपको पढ़ाती हूँ, राइट? चलिए, तो ये तीन पॉजिटिव न्यूज़ के साथ, यस, मैक्सिमम तमिलनाडु में हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम था 10, लेकिन इस बार जो ऐड हुआ है तो तमिलनाडु में ज़्यादा ऐड हुआ है, तो तमिलनाडु में 14 हो गया है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है एज ऑन टुडे, किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका तमिलनाडु का, राइट? और उसके बाद दूसरा में उत्तर प्रदेश का। पहले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में था, अब तमिलनाडु नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन है। ठीक है, 75वां साल में 75 हो गया। ठीक है, चलिए, ये सारा मैंने नाम दे दिया है जो 11 ऐड हुआ है।
तमिलनाडु से चार, उड़ीसा से तीन, मध्य प्रदेश से एक, महाराष्ट्र से एक, जम्मू कश्मीर से दो, ठीक है। तो ऑल टुगेदर 11 रामसर साइट ऐड हो गया है, अब 75 हो गया है, 75 हो गया है, ठीक है। चलिए अब चलिए हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर वन, अ न्यू स्पीसीज ऑफ, अ न्यू स्पीसीज ऑफ डैमसेल फ्लाई, डैमसेल फ्लाई हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। आपसे पूछ रहा है कि डैमसेल फ्लाई की एक प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, असम। ये सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। जो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा आप मेरे कंटेंट में पाएंगे। तो डैमसेल फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, डैमसेल फ्लाई किस में है, केरला में, ठीक है, केरला में पाए गए हैं। अ न्यू स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट, कहाँ पर, पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, त्रिशूर, केरला में, यहाँ पर पाया गया है। न्यू स्पीशीज डैमसेल फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, यस डैमसेल फ्लाई, वेद प्रकाश, ए, ए नहीं होगा, बी होगा, केरला में पाया गया है, वेस्टर्न घाट, पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, त्रिशूर, केरला में पाया गया है। और इस नया जो स्पीशीज है इसका नाम रखा गया है अनामलाई रीड टेल, अनामलाई रीड टेल, ठीक है। स्पीशीज का जो नाम रखा गया है वो है अनामलाई रीड टेल, ठीक है। तो ये दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, क्योंकि आपका कुछ स्टेट पीसीएस यूपीएससी में आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए दे देती हूँ। डायरेक्ट सिर्फ आंसर नहीं देना है ना। कहाँ पर पाया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए, पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिशूर, केरला में, है ना। और ये नया स्पीशीज का नाम क्या दिया गया है, अनामलाई रीड टेल। तो ये इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू डैमसेल फ्लाई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी होस्टेड द चाबहार दिवस डे कॉन्फ्रेंस, चाबहार दिवस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। चाबहार डे कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई थी, की मेजबानी कौन किया, किस राज्य ने किया, किस राज्य ने किया। तो इसकी मेजबानी मुंबई, महाराष्ट्र ने किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोलाल, सर्बानंद सोनोलाल, है ना, इन्होंने इनॉग्रेट किया ये चाबहार डे कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मुंबई में July 31st, 2022। और ये कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड किया वो भी आपको पता होना चाहिए, कजाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तर्मिकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इतने देश ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। अब ये चाबहार, चाबहार है क्या, तो चाबहार एक बंदरगाह है, चाबहार जो है ये एक बंदरगाह है, कहाँ पर है, तो ईरान में है, ये रहा ईरान, ये रहा ईरान, साउथ ईस्टर्न पार्ट, ईरान का ये साउथ हो गया, ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट ईरान में ये चाबहार बंदरगाह है, गल्फ ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान में। और ये एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जो समुद्र के निकट है, जो समुद्र के बिल्कुल निकट है, मतलब समुद्र तक सीधा पहुंच रहा है ना। इससे क्या हो रहा है कि ये बोलते हैं ना गेटवे खुल जाना, जैसे भारत से, भारत से अगर कुछ अफगानिस्तान भेजना है तो भारत से ये ईरान जाएगा, फिर चाबहार बंदरगाह से फिर ये जाएगा अफगानिस्तान। पहले क्या था कि पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान जाना रहता था, तो पाकिस्तान अलाउ नहीं करता था, है ना। तो अब ये गेटवे खुल गया है, अब ये गेटवे खुल गया है कि भारत से ये चाबहार बंदरगाह जाएगा जो ईरान में है, और फिर ईरान से फिर हम अफगानिस्तान में सामान भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये चाबहार क्या है, चाबहार एक बंदरगाह है जो ईरान में है ना, ईरान में है, ठीक है। इसलिए ये मैप बहुत क्लियर मैप मुझे मिला, इसलिए मैंने ये मैप को यहाँ पे लगा दिया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट है ना। विश्व का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैज बीन डिस्कवर्ड डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि किस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल डेवलप किया है, बनाया है? हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। ए बी सी डी। यस वेद प्रकाश, बहुत सही जवाब दिया आपने। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये डेवलप किया, क्या? हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट भी इसका कम है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना। ग्रीन एनर्जी कहते हैं इसे, ग्रीन एनर्जी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डिड द अर्थ ब्रेक इट्स शॉर्टेस्ट डे रिकॉर्ड। आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। तो अर्थ अपना रोटेशन एक्सिस में रोटेट करके 24 घंटा में एक डे बनाते हैं, है ना। रिसेंटली आपने सुना होगा कि 24 घंटे से कुछ पहले एक दिन कंप्लीट हो गया। आपको बताना है, जुलाई में ही हुआ है ये, आपको बताना है कौन सा डेट में ऐसा हुआ है। जुलाई 29th, 28th, 27th, 30th। ये आपके न्यूज़ में भी बहुत आ रहा था, ये एक बार और 2020 में भी हुआ था, लेकिन उसका भी ये रिकॉर्ड इस बार टूट गया। 29 जुलाई को ये घटना हुई है, 29 जुलाई को 24 घंटा से कुछ सेकेंड पहले एक दिन पूरा हो गया, 24 घंटा, ठीक है। तो 29th जुलाई, अर्थ ब्रोक इट्स शॉर्टेस्ट डे रिकॉर्ड ऑन 29th जुलाई 2022। ये अपना एक दिन पूरा, एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया 1.59 मिली सेकेंड पहले ये एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया। सेम हुआ था 2020 में भी 19 जुलाई को, जब 1.47 मिली सेकेंड पहले रोटेशन पूरा कंप्लीट हो गया था। तो इस ईयर, इस साल 29 जुलाई को ये घटना हुई है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 15th to 21st August, 8th to 14th August, 1st to 7th August, 22nd to 28th August। हाँ, यस अमन, वेरी गुड। 1 to 7, पहला सप्ताह में, अगस्त के पहले सप्ताह में ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, ताकि स्तनपान का महत्व लोगों तक पहुंचा सके हम, है ना। चलिए, तो ये 1st to 7th August मनाया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, स्तनपान के महत्व को बताया जाता है, ठीक है। और इस बार का आपको थीम भी पूछेगा, विषय भी पूछेगा, तो स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षित करें और समर्थन करें। दिस इज द थीम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वीक, है ना, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज रिलीज्ड द थर्ड कॉमिक बुक ऑन स्टोरीज ऑफ - ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है। संस्कृति मंत्रालय ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर तीसरी कॉमिक बुक जारी की है। कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स का, तो आपको बता दूं कि ये 20 फ्रीडम फाइटर्स का ये का स्टोरी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो 20 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है मिलिट्री एक्सरसाइज से थर्ड इंडिया वियतनाम बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स बिन बैक्स BIN, बी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया, बी फॉर बायलैटरल, ए फॉर आर्मी, एक्स फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, उसी में आपको लिखा हुआ है। तो ये वियतनाम और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज है। ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पर है। रवि प्रकाश शुक्ला लिख रहे हैं, अमन लिख रहे हैं हरियाणा, बिल्कुल सही हरियाणा है ना। ये थर्ड एडिशन था वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज BIN, बी फॉर वियतनाम, आई फॉर आई एन फॉर इंडिया, बी फॉर बायलेटरल, ए फॉर आर्मी, एक्स फॉर एक्सरसाइज 2022। ये हरियाणा में हुआ है, कब से कब, 1 अगस्त से 20 अगस्त तक, मतलब आज तक, 1 अगस्त से 20 अगस्त तक ये हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर ये एक्सरसाइज से है आपका, फोर्थ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का नाम है AL NASA 4 हैज बीन स्टार्टेड इन, कहां पर शुरू हुआ है, इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है AL NASA 4, ये कहां पर है। यस अमन, वेरी गुड, राजस्थान। ठीक है, अगस्त 1 से लेके अगस्त 13 तक, ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। मिड डे मील तो है ही, मिड डे मील तो मुझे लगता है कि हर राज्य में है मिड डे मील। अब एक स्टेट ने मिड डे मील के अलावा ब्रेकफास्ट स्कीम भी लॉन्च किया है, आपको बताना है कौन सा वो स्टेट है, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा या छत्तीसगढ़। ब्रेकफास्ट स्कीम, यस वेरी गुड, तमिलनाडु है ना। ये क्लास 1 से लेके फ्रॉम 1st to 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये आपको ब्रेकफास्ट स्कीम स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु में। मिड डे मील तो मिलेगा ही, प्लस स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 5 तक के स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च किया है तमिलनाडु, इज द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट है जिन्होंने ये ब्रेकफास्ट स्कीम स्टार्ट किया है। ठीक है, इसीलिए ये फर्स्ट है गया ना, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, हु हैज सरपास्ड चाइनास यांग हुआन टू बिकम एशियाज रिचेस्ट वुमेन। कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनने के लिए चीन की यांग हुआन को पीछे छोड़ दिया है। सावित्री जिंदल, रोशनी नादार, लीना गांधी, राधा वेम्बू। हाँ, सावित्री जिंदल अब एशिया की सबसे अमीर महिला हो गई है ना, सबसे अमीर महिला अब सावित्री जिंदल हो गई है एशिया की। 5 साल से नंबर 1 पोजीशन पर चाइना की थी, है ना, नंबर 1 पोजीशन पे चाइना की यांग हुआन 5 साल तक रही, और इस साल जो है ये सावित्री जिंदल हो गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन लिस्ट हु हैज बीन नेम्ड एज द रिचेस्ट वुमन इन इंडिया, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन सूची के अनुसार भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? किरण मजुमदार, फागुनी नायर, नीलिमा मोता पार्ती, रोशनी नडार। अमन कुमार लिख रहे हैं रोशनी नडार। सौरभ चौधरी लिख रहे हैं फागुनी। हाँ, रोशनी नडार, रोशनी नडार नंबर वन पे है, फागुनी नंबर टू पे है, है ना? रोशनी नडार सबसे अमीर महिला है, नंबर टू पर आपका फागुनी है, तीसरा है किरण मजुमदार। लास्ट ईयर तक नंबर टू पे किरण मजुमदार थी, इस बार वो दूसरे से तीसरे पर आ गई हैं और फागुनी नंबर टू पे आ गई हैं। ठीक है, तो रोशनी नडार सबसे अमीर महिला हैं भारत की अकॉर्डिंग टू कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन लिस्ट। चलिए आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है वित्त वर्ष 2022 में कौन सा देश भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ शीर्ष देश के रूप में उभरा है। नंबर वन पे कौन है, है ना? नंबर वन पे, है ना? विच कंट्री हैज बीन इमर्ज्ड एज द टॉप कंट्री, टॉप कंट्री इन व्हाट? हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2022। अमन लिख रहे हैं यूएई, नहीं यूएई नहीं होगा, इट विल बी सिंगापुर, इस बार सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर है 27.01%, यूएसए 17.94%, has emerged as two sourcing nations in FDI equity flow in India financial year 21-22। के बाद मॉरिशस है, नीदरलैंड है और फिर स्विट्जरलैंड है, यूएई तो है ही नहीं। तो इसके इसमें आपका सिंगापुर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टैकल द सोरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन? श्रीलंका, सूडान, ओमान, जिम्बाब्वे। पूछ रहा है आपसे किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? कौन सा देश सोने के सिक्का लॉन्च किया है? वेरी गुड, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, है ना? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्का लॉन्च किया है ताकि वो जो सोरिंग इन्फ्लेशन है उससे टैकल कर सके। ठीक है, जिम्बाब्वे। और ये गोल्ड कॉइन का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि गोल्ड कॉइन का नाम जो है मोसीउआ तुनिया, मोसीउआ तुनिया, जो विक्टोरिया फॉल है, जो विक्टोरिया फॉल है उसी के, उसका दूसरा नाम है मोसीउआ तुनिया। ठीक है, तो उसी के नाम पर इस कॉइन का नाम रखा गया है। ठीक है, ये बिल्कुल लिक्विड एसेट है कि जब भी जरूरत हो ईजिली इसको कन्वर्ट करके आप नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जिम्बाब्वे ने ये लॉन्च किया है गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है जो हमेशा आता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश? बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करण जायसवाल, सुमित कुमार, सतीश सिंह, प्रणय कुमार वर्मा। रोशन कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमन लिख रहे हैं डी, अमन लिख रहे हैं डी, प्रणव कुमार वर्मा। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, है ना? प्रवन, प्रणय कुमार वर्मा, डिप्लोमेट, आईएफएस ऑफिसर है 1994 बैच के, है ना? इंडिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर
बांग्लादेश का अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंट हुआ है अभी जो है ये सर्व कर रहे हैं एम्बेसडर टू वियतनाम। अभी ये एम्बेसडर है वियतनाम में, फिर वो टेकअप करेंगे ये असाइनमेंट, है ना, टेकअप करेगा ये असाइनमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एन कलाईसेल्वी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ भी आपका फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर, हिंदी में देखिए, डॉक्टर एन कलाईसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? यस अमन, वेरी गुड वेरी गुड। सी एस आई आर है ना, सी एस आई आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर की ये डायरेक्टर बनी है, फर्स्ट फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर हुई, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रही हूँ, सी एस आई आर, राइट, यस बहुत सही, सी एस आई आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपॉइंटमेंट से है। Who has been roped in by the World Bank as country director for India? Country director for India. World Bank में India की तरफ से country director कौन बने हैं? महमूद A. अयूब, Michael A. J. Gillett, Augustano Coem, Wilson Elisba. Yes, अमन लिख रहे हैं C. बहुत सही जवाब दे रहे हैं अमन, बहुत सही जवाब दे रहे हो, बहुत सही जवाब है ऑगस्टानो कोयम, ठीक है। कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। पहले ये काम कर चुके हैं कंट्री डायरेक्टर, किसका, कौन किस कंट्री का? टर्की का, टर्की का नाम अब टर्की हो गया है, ध्यान रखिए कि टर्की अब हम टर्की नहीं बोलेंगे, टर्की हो गया है, उसका नाम चेंज होके टर्की हो गया है। तो पहले ये कंट्री डायरेक्टर थे टर्की, टर्की का, अब ये भारत का कंट्री डायरेक्टर हो गए हैं इन वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल इज क्रिएटिंग 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। 7 नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं वेस्ट बंगाल में, पूछ रहा है कि अभी अभी इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अमन कुमार, बिल्कुल सही लिख रहे हो, इकोनॉमिक एडवाइजर अभी है इंद्रमित गिल, है ना, वो भी अपॉइंट हुए हैं हाल ही में, ठीक है। हाँ तो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, 30, पहले 23 था, अब 7 हो गया है, तो अब कुल मिलाकर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपके 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, 30 जिले हो गए हैं, ठीक है। अब है कि ये जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं उसी से आपको निकाल कर 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया जा रहा है, और न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का नाम होगा बहरमपुर, कांदी, सुंदरबन, बशीरहाट, इच्छामती, रानाघाट एंड विष्णुपुर। ये 7 नए डिस्ट्रिक्ट को काफ किया जाएगा, निकाला जाएगा 23 डिस्ट्रिक्ट से ही, ठीक है। एरिया वही है, बस इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अब वेस्ट बंगाल में 30 डिस्ट्रिक्ट, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। अपॉइंटमेंट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधीर शर्मा, सुमन बाला, संजय अरोरा, मनोज मालवीय, मनोज मालवीय कौन है न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस? यस हरीश लिख रहे हैं सी, संजय अरोड़ा, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब, संजय अरोड़ा है ना, न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, है ना, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके अपॉइंटमेंट से है, हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 49th चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस अब्दुल नाजिर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस के कॉल। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 49th चीफ जस्टिस, यस वेरी गुड वेरी गुड, यू यू ललित, है ना, यू यू ललित,
ठीक है, जस्टिस उदय यू ललित, ये 49 चीफ जस्टिस इंडिया के हैं, और ये जो अभी जो चीफ जस्टिस है एन वी रमना, ये आपको रिटायर होंगे 27 अगस्त से। 27 अगस्त को एन वी रमना जो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रिटायर होंगे 27 अगस्त को। फिर उनके जगह पर 49th चीफ जस्टिस जो हैं, 49th चीफ जस्टिस जो हैं वो बनेंगे आपके यू यू ललित। लेकिन इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि 8 नवंबर को ये रिटायर कर जाएंगे, 8 नवंबर को ये रिटायर कर जाएंगे। इसलिए 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी फाइनल हो गया है। कौन है? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो 48th हो गए एन वी रमना, है ना, 49th हो गए यू यू ललित, एंड 58th जो आपके 8 नवंबर के बाद इनका कार्यकाल शुरू होगा वो है आपके डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो, प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसे वॉच डॉग कहा जाता है, है ना, हमेशा देखते रहते हैं कौन सा न्यूज क्या है नहीं है, वॉच डॉग कहते हैं इनसे, है ना। चलिए, हाँ, सत्येंद्र प्रकाश, बहुत सही जवाब है सत्येंद्र प्रकाश। ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर से देख लें अगस्त का, है ना। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स के लेखक कौन है? दिव्य शर्मा, सानिध्य शर्मा, संगीता गुप्ता, स्वाति विष्ट। एनम लिख रहे हैं, बी, बहुत सही जवाब है। सानिध्य शर्मा सिर्फ 11 साल की ये लड़की है, क्लास 7 की स्टूडेंट्स है जम्मू की, 11 ईयर्स क्लास 7 स्टूडेंट्स जम्मू की है, और इन्होंने ये बुक लिखा है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनका बुक लॉन्च किया है। तो सानिध्य शर्मा ये बुक लिखी है, मात्र 11 साल की है, है ना, 11 इयर्स की है, 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट। नेक्स्ट, फिर बुक से आ गया, अ न्यू बुक टाइटल लायन ऑफ द स्काइज, हार्दिक सिंह मलिक, रिटन बाय, ये किसने लिखी है? नील गैमन, स्टीफन बार्कर, रॉबिन शर्मा, कैरोलिन इंग्लैंड। बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है लायन ऑफ द स्काइज, हार्दिक सिंह मलिक। बी लिख रहे हैं, स्टीफन बार्कर ने बुक को लिखा है, लायन ऑफ द स्काइज, हार्दिक सिंह मलिक, है ना। ये इंडिया के पहले फाइटर पायलट के बारे में ये कहानी है, इंडिया का पहला फाइटर पायलट के बारे में ये कहानी है, जब इंडियन एयरफोर्स पैदा भी नहीं हुआ था, है ना, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना भी नहीं हुई थी उस वक्त की ये कहानी है, इंडिया का पहला फाइटर पायलट के बारे में इस बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर बुक से आ गया, अ न्यू बुक टाइटल डेंजरस अर्थ हैज बीन रिटन बाय, एलन प्रेगर, हेलेन स्केल्स, माइकल बाउचर या सिल्विया अर्गिल। बुक का नाम है डेंजरस अर्थ। कोई आइडिया? एलन प्रेगर इसके लेखक हैं, है ना, एलन प्रेगर इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके बुक से ही है, सब अगस्त का ही है। हु हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल
द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 years ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 75 साल, 75 years है ना इंडियन इकोनॉमी के बारे में है. जर्नी ऑफ अ नेशन, जर्नी ऑफ अ नेशन 75 years ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस बुक के, इस पुस्तक के लेखक कौन है. गुड इवनिंग फैजान, गुड इवनिंग. हाँ संजय बारू, बहुत सही जवाब दिया अमन. अमन का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, संजय बारू है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट पुलिस हैव बीन प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू. अभी तो नहीं है ये, पहले का क्वेश्चन है ये, है ना. वेंकैया नायडू, सौरभ चौधरी, संजय बारू, बिल्कुल सही जवाब था. इसके बारे बताइए कि कौन से वेंकैया नायडू ने द्वारा राज्य के, किस राज्य के पुलिस को, पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रेजेंट किया. ए तमिलनाडु, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सरसाइज वज्र प्रहार, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री. एक्सरसाइज क्या है, वज्र प्रहार. आपसे पूछ रहा है कि ये एक्सरसाइज किन दो कंट्री के बीच में होता है, भारत और रशिया के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, या भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में. अमन बिल्कुल सही लिखा है आपने, भारत और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज होता है वज्र प्रहार 2022. चलिए 13th एडिशन है इस बार का, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22. आपसे पूछ रहा है ये चार राज्य है, इस चारों राज्य में किसने ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यूज किया है, टॉप्ड इन यूटिलाइजेशन, सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज किया है ये फंड को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हर राज्य को दिया जाता है, हर राज्य को दिया जाता है ये फंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, है ना, खेती के लिए. आपसे पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा इस फंड को यूज किया है, यूटिलाइज किया है ना. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त वर्ष 21-22 में कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में शीर्ष पर है. तो अमन लिख रहे हैं बी, बी, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना. आप लोगों को लगता है पंजाब ही है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश रैंक फर्स्ट इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ठीक है, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ये अवार्ड आंध्र प्रदेश को दिया है. सबसे ज्यादा फंड का यूटिलाइजेशन आंध्र प्रदेश राज्य में ही हुआ है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा आसाम है, तीसरा में पंजाब है, तीसरा में पंजाब है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has registered a 2.5 to 1.5 win for India against Hungary in the fourth round match of women's section at the 44th Chess Olympiad? 44th Chess Olympiad था, उसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया के तरफ से कौन जीती हैं, है ना, against Hungary, against Hungary. हाँ, A, A. कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी तो नहीं है, तानिया, तानिया सचदेव, तानिया सचदेव, ठीक है, तानिया सचदेव. टाइम सेज इंडियन वुमेन टीम विन एट 44th चेस ओलंपियाड, जो इस बार इंडिया में हुआ है ना, जो इस बार इंडिया में हुआ है चेन्नई में. ठीक है, तानिया रजिस्टर्ड 2.5 चेस ओलंपियाड इन चेन्नई. इस बार पहली बार, पहली बार ये चेस ओलंपियाड भारत में हुआ है, भारत इसकी मेजबानी पहली बार किया है चेस ओलंपियाड का. ठीक है, और इसमें ये तानिया सचदेव ने. चलिए
अब आपसे पूछ रहा है फिर अपॉइंटमेंट से है कि पीएमओ ऑफिस में डायरेक्टर के पद पर किसकी अपॉइंटमेंट हुई है ना, श्वेता सिंह, निहारिका जैन, राजश्री गुप्ता, आर के गुप्ता। फोटो से तो लग रहा है कि 50-50 हो गया, नहीं, कौन बनेगा करोड़पति का जो लाइफ ये है आपका 50-50 हो गया है ना, श्वेता सिंह, निहारिका जैन, राजश्री गुप्ता, आर के गुप्ता। तो कौन होगी, कौन है, श्वेता सिंह है ना, श्वेता सिंह पीएमओ ऑफिस की डायरेक्टर हैं, पीएमओ डायरेक्टर आईएफएस है ये। अब पूछ रहा है आपसे, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ओडिशा हैज साइन एन एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपकमिंग मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022। पूछ रहा है आपसे कि ओडिशा ने आगामी मेक इन ओडिशा, मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ए लिख रहे हैं सौरभ चौधरी का आंसर है नैसकॉम, नैसकॉम ये फिक्की से होगा, फिक्की FICI फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एब्रीविएशन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जहां पर हो सकता है वहां मैं उसका फुल फॉर्म भी लिख दे रही हूं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ ये MOU साइन हुआ है फॉर मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022। ठीक है, तो ये आज का आपको 30 क्वेश्चंस हो गए आज के, है ना, प्लस आज के मुख्य समाचार भी हमने दे दिया आपको। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Till then, have a nice day. Thank you.